फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार मल्टी टैलेंटेड आमिर खान की सबसे मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा के सॉन्ग्स और फिल्म से जुड़ी हुई अब तक की सबसे कमाल की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसे सुनने के बाद आपका एक्साइटमेंट लाल सिंह चड्ढा के लिए डबल होने वाला है। तो क्या है खबर और ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिलने वाली है, बात करेंगे इस बारे में। तो अगर आप भी हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट सुपरस्टार आमिर खान के डाई हार्ड फैन और कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा जैसी ऐतिहासिक फिल्म का इंतजार, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्सिक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, तारे जमीन पर, सीक्रेट सुपरस्टार और हनीमून ट्रेवल जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अद्वित चंदन, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा का अवार्ड मिला हुआ है, ये पैरामाउंट पिक्चर्स, वायकॉम स्टूडियोज और आमिर खान के साथ मिलकर एक खूबसूरत फिल्म लेकर आ रहे हैं और फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आमिर खान इंडियन सिनेमा के वो सुपरस्टार हैं जो दो साल में एक फिल्म लेकर आते हैं, लेकिन जब भी वो कोई फिल्म लेकर आते हैं तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाती है कि जिसका निशान सालों तक रहता है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अभी सिर्फ एक लिरिकल सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि है कहानी, और रिलीज होने के साथ सॉन्ग लोगों के दिलों पर ऐसा छाया है कि हर कोई अभी से फिल्म का इंतजार करने लगा है। दोस्तों, काफी टाइम से फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन अब जाकर फिल्म को 11 अगस्त को रिलीज किया जाना है। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स, फिल्म लाल सिंह चड्ढा का टाइटल ट्रैक और जुगनू सॉन्ग, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, ये बहुत जल्द आपको देखने और सुनने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान का भी जबरदस्त कैमियो होने वाला है, और ये कैमियो रोल ऐसा होगा जो आज तक आपने किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान को दोनों को ही यंग अवतार में दिखाया जाएगा। दोस्तों, कहने को तो ये फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक होने वाली है, लेकिन आमिर खान ने इस फिल्म को इस अंदाज में बनाया कि आपको फॉरेस्ट गम इस फिल्म के सामने फीकी लगेगी। फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान और साउथ के स्टार नागा चैतन्य भी दिखाई देने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, फिल्म को इंडिया की कई सारी भाषाओं के साथ साथ चाइना में चाइनीज में भी रिलीज किया जाएगा, और इसके पीछे की वजह है कि चाइना में भी आमिर खान की फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म और फिल्म के सॉन्ग्स को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको क्या लगता है, ये फिल्म कितने हजार करोड़ का बिजनेस करने वाली है, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।